Okay, so again, good afternoon all of you. So welcome in this class 10th. Already we learned chapter of polynomials. So already we discussed many things related to polynomials in class 9th and class 10th. In last 2 weeks, we discussed many things related to polynomials, like as depend on all polynomials thing is exponents per. So different type of polynomials depend on exponent, that is a linear, quadratic, cubic, zero. So many different things we learned in last few days classes. तो हम अब डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये भी हमने पढ़ लिया है. और एक मिनट आगे चलते हैं. एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ लिया है. ओके एंड अगेन आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 सभी की कंप्लीट हो गई है. रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं रिपीट कर रहा हूँ 100% एक क्वेश्चन आएगा रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशियंट्स के बीच में. रिपीट याद रखना, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशियंट के बीच में 100% एक क्वेश्चन आएगा आपको. आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हम क्यूबिक. इतना लेट जॉइन करते आज हम पढ़ेंगे इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़. ऑलरेडी देखो, एक पॉलिनोमियल्स की जब हम बात करते हैं तो वी नो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर, मैं सुबह भी जब क्लास ली तो मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमें जीरोज अगर फाइंड आउट करने हैं तो वी यूज़ दिस मेथड फैक्टराइजेशन. बट सर, हाउ टू फाइंड आउट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल? तो इट्स, अरे यार कौन है, इतने नालायक बच्चे हैं ना, बस क्या बोले इनको. 1-5 हो गए क्लास ज्वाइन करते जाते हैं, है ना यार, पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही इंटरेस्ट आते रहता है ना पढ़ाने में, तभी सब एडमिट करो. है ना यार, मैं पढ़ा रहा हूँ और ये ज्वाइन कर रहे हैं. अभी पढ़ाऊँ कि ज्वाइन करोगे? चलो एक मिनट रुक लेते हैं, देखो और कौन ज्वाइन करेगा. अभी किसी को ज्वाइन करना है क्या? अभी नहीं करेंगे, अभी जैसे पढ़ाने लगूंगा फिर ज्वाइन करेंगे. फिर से स्टार्ट करेगा ना, चलो अभी स्टार्ट करते हैं फिर से. तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या होते हैं, जीरोज होते हैं. तो ऑलरेडी वी लर्न्ड एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू डी अपॉन ए. राइट है क्या ये फॉर्मूला? राइट है क्या? अब देखो अब बोलेंगे नहीं, सी अपॉन ही आता है क्या? देखो अभी पढ़ते हो नहीं, ध्यान कहाँ रहता है पता नहीं. अरे डी तो होता ही नहीं है ना एक क्वाड्रेटिक के अंदर. क्वाड्रेटिक के अंदर ओनली सी तक कोफिशिएंट रहते हैं, तो सी अपॉन ए होता है. डी अपॉन ए किसका होता है बताओ? डी अपॉन ए किसका होता है, कोई बताएगा? अरे डी अपॉन ए किसी का नहीं होता है, अल्फा बीटा गामा का भी माइनस डी अपॉन ए होता है, ना कि डी अपॉन ए. अगर हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर भी जो थ्री जीरोज हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज गामा, तो प्रोडक्ट ऑफ इज दैट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए. तो ऑलरेडी आई थिंक आपको फॉर्मूला याद किए नहीं आप लोगों ने. देखो ये रहे, अगेन रिमाइंड, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए एंड सम ऑफ अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए. ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, 100% ये क्वेश्चन आएगा आपके सीबीएसई एग्जाम 2022 के अंदर बिल्कुल. आप बोलोगे 100% आएगा, हाँ देखो क्योंकि रिलेशन के अंदर बहुत कम क्वेश्चंस, आपको रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो के अंदर वेरी फ्यू क्वेश्चंस. तो अगर आपको ये क्वेश्चंस आपने याद किया है तो ये 100% आएगा. सर इट्स वेरी सिंपल, यस इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज ऑलरेडी वॉज गिवन दैट जीरो, 3 - 1 - 1/3 ऑलरेडी गिवन जीरो. क्या हुआ, कब तक का बना दिया? 21/6/2021 तक का दिया है क्या? हाँ कोई क्या बोल रहा था, एक मिनट रुको क्या बोल रहे हो, बोलो एक मिनट. क्या 2 से 24 तक दिया है, यानी 21 से उसकी मर्जी क्यूबिक. हाँ ओके, तो बात कर रहे थे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. तो दैट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में जो आपको जीरोज दिए हैं ना, तो आप जीरोज की हेल्प से आप रिलेशन फाइंड आउट करना, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी.
बट अगर आपसे वो जीरोज निकालने को बोले तो क्या करेंगे? मैं सीधा एक क्यूबिक पॉलीनोमियल्स पे लेके जाता हूँ। पहले मैं आपको ये सिखा देता हूँ, एक्चुअल में ये आपके सिलेबस में है नहीं, कहीं पे भी आपको क्यूबिक पॉलीनोमियल्स दिखेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको एक सिखा देता हूँ। एक क्यूबिक पॉलीनोमियल्स ये ले लेते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक पॉलीनोमियल्स के जीरो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये सीधा मैं यहाँ लेके आया हूँ, एक्स थ्री माइनस स्क्वायर ऑफ थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री। ये थोड़ा सा ड्राइंग कम करो, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हम इसके जीरो निकालेंगे? सबसे पहला काम आपको करना है वैल्यू पुटअप करनी है इसके अंदर, एक्स थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री के अंदर वैल्यू पुटअप करनी है। इक्वल एक्स इक्वल टू वन पुट करके देखते हैं, सब पुट करते हैं, वन क्यूब माइनस थ्री वन स्क्वायर माइनस वन प्लस थ्री, वन क्यूब वन माइनस थ्री माइनस वन प्लस थ्री, तो प्लस थ्री एंड वन फोर माइनस थ्री एंड माइनस वन माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो एक जीरो मिल गया आपको, एक्स इक्वल टू वन इज फर्स्ट जीरो, एक्स इक्वल टू वन इज फर्स्ट जीरो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक्स माइनस वन यानी एक्स बराबर वन इसका फर्स्ट जीरो है, वन को इस साइड कन्वर्ट करेंगे तो एक्स माइनस वन ये फर्स्ट हो गया इसका। अब इस एक्स माइनस वन का इसमें डिवीजन करना है, हाउ सर दैट एक्स थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री में आपको डिवीजन करना है एक्स माइनस वन का। आप डिवीजन करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आपको जीरो बचेगा। ऑलरेडी वी लर्न इन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज आपको डिवीजन आता है, तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ। तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, जीरो। बट क्वेश्चन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, क्वेश्चन इज ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड ऑलरेडी यू नो सर आई नो How to find out of is zero is a quadratic polynomial is very simple use of factorization method. So that use factorization method you find out of two other zeros and you know 2 + 1 equal to 3 zeros and you know cubic polynomials have 3 zeros. So we can easily find out of 3 zeros in a cubic polynomials. But first इन स्टेप याद रखो, आप स्टेप याद रखो, स्टेप वन में आपको वैल्यू रख के देखनी है, एक्स बराबर प्लस माइनस एनी नेचुरल नंबर रख के देखना है आपको, एंड आपको एक्स इक्वल टू इंटीजर्स रख के देखना है, नेचुरल छोड़ो इंटीजर्स रख के देखना है। उस इंटीजर्स पे अगर इस पॉलीनोमियल्स की वैल्यू जीरो हो गई, देन डिवाइडेड बाय इस पॉलीनोमियल को डिवाइजर के जैसे यूज करके डिवाइडेड बाय दिस पॉलीनोमियल एंड यू कैन फाइंड आउट ए क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड यू नो फैक्टर एंड फाइंड आउट अदर टू जीरोज। तो मुझे लगता है ये मेथड आप सबको समझ आया होगा कि किस तरह से क्यूबिक पॉलीनोमियल्स के जीरोज निकालते हैं। बट मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है सर, रियली यस, लेके चलते हैं। अब किसी के पास रिवाइज सिलेबस है तो एक मिनट देखता हूँ, मैंने भेजा था ना आपको एक बार रिवाइज सिलेबस, एक मिनट मैं आपके सिलेबस पे लेके जाता हूँ, वेट करो फ्यू मिनट्स। किसी के पास है क्या, एक मिनट होगा, आप सभी के पास होगा ना, आई थिंक मैंने सिलेबस सेंड किया था, ये सर पॉलीनोमियल्स कहाँ गया, थर्सडे या फ्राइडे को सेंड किया था। चलो देखते हैं बाद में, आपके रिवाइज सिलेबस को आप जब देखोगे तो वहाँ पर ओनली लिखा हुआ है फाइंड आउट ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल्स एंड रिलेशन बिटवीन ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, रिलेशन बिटवीन ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो ध्यान रखना, आपको रिलेशन मिलेगा एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के जीरो एंड इसके बीच में, वहाँ पर कहीं भी क्यूबिक पॉलीनोमियल्स नहीं है। तो आपको क्वेश्चन भी बहुत कम दिखेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल्स के कि कोई क्यूबिक पॉलीनोमियल्स आपको दे। आई थिंक ये बात आप सबको समझ आई होगी कि मैंने जो बताया वो आपको सबको समझ आया होगा कि मैंने क्या बताया, अंडरस्टैंड। चलो मैं एक बार सिंपल बात, आप मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास, स्टूडेंट्स कंफर्म इट, आवाज़ आ रही है, आ रही है सर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक के जीरोज निकालना आपको आता है सर, यूज फैक्टराइजेशन मेथड। अगर सर क्यूबिक के जीरोज निकालने हो तो कंडीशन है, इसके लिए आपको इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, एक्स की जगह कोई इंटीजर्स रख के देखेंगे, उस इंटीजर्स पे अगर ये जीरो हो जाता है तो ये एक इसका एक पॉलीनोमियल हो गया, फिर एक्स प्लस
इंटीजर्स का इसमें डिवीजन करना है, x प्लस माइनस इंटीजर्स का इसमें डिवीजन करना है। क्वेश्चन में आपको मिलेगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को आपको फैक्टर्स करने हैं और आपको इसके बाद दो जीरो और मिल जाएंगे। इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के हम जीरो निकालते हैं। बट कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपसे वो जीरो पूछे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के। अगर वो रिलेशन देगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरो एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, तो देन यू गिवन ऑलरेडी जीरोज, आपको ऑलरेडी वो जीरोज दे देगा। लाइक एज जैसे यहाँ पर आपको दिए हुए हैं एक्स थ्री माइनस वन माइनस हाफ, ये जीरोज ऑलरेडी गिवन है। देन यू कैन इजीली सिंपल एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, सिंपल ये जीरोज आपको ऑलरेडी दिए हैं। आप रिलेशन दिखा सकते हो इज अल्फा इज बीटा इज गामा, तो यू इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा मल्टीपल बीटा गामा रिलेशन आप दिखा सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगी। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, होमवर्क आपके लिए एक्सरसाइज। तो सभी को एक्सरसाइज 2.2 कितने बच्चों ने कर ली, मुझे कंफर्म करो, एक्सरसाइज 2.2 कितने बच्चों ने कंप्लीट कर ली, एक्सरसाइज 2.2। अरे कोई तो बोलो, क्या करते हो आप लोग नालायक, बिल्कुल के बिल्कुल बोलते भी नहीं हो, चुपचाप रहते हो, बिल्कुल चुप रहते हो। हाँ अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप लोगों से। मैंने की सर। हाँ बस तूने की, तू ही बोल, बाकी लोगों को बोलना ही नहीं है। मैंने भी किया सर। क्या नाम है तेरा? शिफा। हाँ शिफा, चलो गुड बॉय। और किसने किए? देखो मनस्वी ने की है, शिफा ने की है, काजल ने की है, बस ये लड़के ही आगे रहती हर काम में, ये नालायक लड़के ना कुछ नहीं करते। ओके साईनाथ, सोनावने, लल्ली, ओके गुड, एंड अदर्स। अरे आपको पढ़ना है तो एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। चिन्मय, चेतन, गुड, वेरी गुड, मतलब इजीली आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। पिछले साल के रिवाइज सिलेबस में नॉट इंक्लूडिंग डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये इंक्लूड नहीं था। इस साल के सिलेबस में डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल इंक्लूड है और पॉसिबिलिटी है कि इससे भी ये क्वेश्चन आ जाए। सर बहुत सिंपल है क्या? बिल्कुल वेरी सिंपल है। अगर आपको डिविडेंट और डिवाइजर में रिलेशन दिखाना आता है, अगर आपको डिविजन्स करना आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का या पॉलिनोमियल्स का, तो यू कैन इजीली सॉल्व इट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आना चाहिए। तो बताइए कितने बच्चों को ये आता है? जिनको नहीं आता ना वो अपना नाम सेंड करो। अभी मैं सिर्फ वही बच्चे नाम सेंड करेंगे जिनको नहीं आता है, तभी मैं सिखाऊंगा डिविजन एल्गोरिथम। कितने बच्चों को नहीं आता अपना नाम लिखो। डिवीजन करना कितने बच्चों को नहीं आता है एलजेब्रा से एलजेब्रा में, पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल में डिवीजन करना कितने बच्चों को नहीं आता है, अपना नाम सेंड कर दो बस। आप मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ। पॉलिनोमियल्स में डिवीजन करना कितने बच्चों को नहीं आता है, अपना नाम सेंड कीजिए। प्रणय वसावे को नहीं आता है, कृषिका को नहीं आता है, और मनस्वी को भी नहीं आता है। चलो मतलब नहीं आता है, ठीक है मैं लेके जा रहा हूँ, मैं क्लास में लेके आ रहा हूँ। ओके डिवीजन एल्गोरिथम सबसे इम्पोर्टेंट है, डिवीजन करना कैसे करेंगे ध्यान से देखना। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यूबिक्स का जीरो निकालना है तो डिवीजन एल्गोरिथम आप डिवीजन करना आपको आना चाहिए। ध्यान से देखना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ पहले। ध्यान से देखना, प्रेजेंटेशन दिख रहा है वही सारी है, क्लियर? एक बार कंफर्म कर दो मुझे। हाँ दैट इज, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है आपको 2x स्क्वायर दिख रहा होगा, ठीक है यहाँ पर 2x स्क्वायर दिख रहा होगा, हमें यहाँ पर 2x स्क्वायर लाना है। तो x को मैं किससे मल्टीपल करूँ कि 2x स्क्वायर आ जाएगा ये बताओ। x को मैं 2x से मल्टीपल करूँगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा ना। अगर x को मैं 2x से मल्टीपल करूँगा तो 2 वन जा 2 x का x स्क्वायर, यानी यहाँ पर मैं अगर क्वेश्चन में 2x लिख देता हूँ और 2x को x से मल्टीपल करता हूँ तो ये आता है 2x स्क्वायर। सबको समझ आया?
लेकिन यहाँ पर इसको 2 से भी मल्टीपल करना है, 2x को 2 से मल्टीपल किया तो 4x आता है, सिंपल है। फिर इसके बाद सिंबल चेंज करना है, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, तो प्लस माइनस ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ देखो माइनस का 4x है, प्लस का 3x है, 4 में से 3x गया है तो माइनस का x और प्लस का 1। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे क्या हमें यहाँ पर लाना है, माइनस का x। तो माइनस का x कैसे आता है, अगर मैं x को मल्टीपल कर दूँ माइनस 1 से, यानी x को मल्टीपल कर दूँ माइनस 1 से तो माइनस का x आ जाएगा, माइनस 1 को 2 से किया तो माइनस 2 आ गया, प्लस प्लस ये दोनों कट जाएंगे, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। समझ आया, इस तरह से हम करते हैं डिवीजन, और इस तरह से जो रिमाइंडर बचता है तो यही है डिवीजन एल्गोरिथम। ऑलरेडी हमने कई बार पढ़ चुके हैं, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीपल क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीपल क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये है। बहुत टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हो, अगेन मैं एक और बता देता हूँ, एक मिनट रुको, हमें यहाँ चाहिए 3x3। तो कैसे आएगा 3x3, एक्स स्क्वायर को अगर मैं 3x स्क्वायर से मल्टीपल कर दूँ तो 3x3 आ जाएगा, आ जाएगा ना, प्रणय मनस्वी कृषिका राइट, एक्स स्क्वायर को अगर मैं 3x स्क्वायर से मल्टीपल कर दूँ तो 3x3 आ जाएगा, करो 3x3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखूंगा क्वेश्चन में मैं 3x स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर को अगर मैंने x से मल्टीपल किया तो 3x3 आ जाएगा, 3x की पावर क्यूब आ जाएगा एक्चुअल में। तो आप ये याद रखना है कि आपको फर्स्ट वाला टर्म सेम करना है इसमें, बस ये सेम किया बाकी छोड़ो अब इस, लेकिन मल्टीपल करना है सभी के साथ, 3x को 2x से करेंगे तो आता है 6x, सॉरी बाई मिस्टेक गलती हो गई, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, आप बताते भी नहीं हो सर 3x3 से नहीं करना है, लेकिन क्या करें, ध्यान कहाँ है, अरे मेरी आवाज़ आ रही है कि सो गए आप लोग, आ रही है सर, अरे तो बोले क्यों नहीं सर 3x स्क्वायर से नहीं सिर्फ 3x से करना है, काजल बोली तू, नहीं सर आपने सिर्फ मुझे लगा कि कृष्णिका और बाकी से कुछ, अरे तो थोड़ा बताना चाहिए ना कि ऐसे नहीं करते मल्टीपल, क्या बाकी से नहीं पूछा, चलो ये दोनों का भी ध्यान कहाँ है पता नहीं, क्लास पे थोड़ा ध्यान रखो, चलो फिर से चलते हैं। 3x3 चाहिए तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीपल करूंगा तो 3x3 आ जाएगा, बताओ एक्स स्क्वायर को मैं मल्टीपल करूंगा 3x से, स्क्वायर से नहीं करूंगा, अरे स्क्वायर से करूंगा तो ये हो जाएगा 3x4 हो जाएगा, ध्यान रखो क्लास में क्या हो जाएगा 3x4, तो मैं सिर्फ 3x से करूंगा तो ये आ जाएगा 3x3, यानी कितना लिखूंगा यहाँ पर 3x, तो मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 3x3, 3x को 2x से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 6x स्क्वायर, और 3x को 1 से करेंगे तो 3x, साइन चेंज करते हैं, माइनस 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 ये कट गया, माइनस 6x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस 3x में से प्लस का 2x गया तो माइनस का x प्लस 5। अब बताओ मुझे 5x स्क्वायर लाना है यहाँ पर, माइनस का 5x स्क्वायर लाना है, तो मैं किससे मल्टीपल करूँगा, कृषिका प्रणय और मनस्वी बताएगी, एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीपल करूँगा जल्दी बताओ, अरे यार बताओ, मैं एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीपल, माइनस फाइव से, माइनस फाइव से मल्टीपल करूंगा तो आ जाएगा ना, अरे माइनस फाइव से मल्टीपल करूंगा तो माइनस फाइव स्क्वायर, माइनस फाइव को टू एक्स से मल्टीपल करूंगा तो माइनस का 10x, माइनस फाइव को 1 से मल्टीपल करूंगा तो माइनस फाइव, चलो सिंबल चेंज, प्लस 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 ये दोनों कट जाएंगे, 10x में से x जाएगा तो प्लस का 9x और 5 से 5 जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा। अब बताइए, अब मुझे 9x लाना है तो 9x लाने के लिए मैं किससे मल्टीपल करूँगा एक्स स्क्वायर को, ये बताओ मुझे ना, इससे किसी से मल्टीपल करना है, 9x लाना है, बताओ किससे मल्टीपल करूँगा, कोई बताएगा, कोई भी बताओ, एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीपल करूँ कि 9x आ जाए, बताओ सर आ जाएगा, अरे बस अब नहीं होगा मल्टीपल्स, बिकॉज 9x इज लेसर देन डिवाइजर, अब ये छोटा है डिवाइजर से, यहाँ तक तो ये बराबर था या बड़ा था, इसलिए ये लास्ट रिमाइंडर बचेगा, ये डिवीजन मेथड, आप इसको एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार इसकी प्रैक्टिस करो, आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो सर डिवीजन एल्गोरिथम क्या, ये है डिवीजन एल्गोरिथम, सिंपल है, px यहाँ पर डिविडेंट है, यानी डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीपल क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इट्स डिवीजन एल्गोरिथम। रिमाइंडर है यहाँ पर, जो rx की जो डिग्री होगी, rx मतलब रिमाइंडर की डिग्री हमेशा छोटी होगी डिविडेंट से,
डिवाइजर से, जो रिमाइंडर आरएक्स है उसकी जो डिग्री हमेशा छोटी होगी डिवाइजर की डिग्री से। अरे अभी भी क्वेश्चन में यही तो हुआ था कि यहाँ पर ये डिग्री एक्स है और ये डिग्री स्क्वायर है, यानी ये हमेशा छोटी रहेगी, यानी जो रिमाइंडर की डिग्री है हमेशा छोटी रहेगी डिवाइजर की डिग्री से। तो यही है डिविजन एल्गोरिथम। पूरी की पूरी एक्सरसाइज में आपको डिविजन मेथड्स यूज करने हैं, तो आप इस एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हो। आई थिंक मैंने पॉलीनोमियल चैप्टर का बहुत पोर्शन आपको समझा दिया है, आप इस चैप्टर्स को यूज करो। फिर भी किसी को कोई डाउट्स रहता है, अगर इस क्लास में किसी को कोई डाउट्स है या पॉलीनोमियल रिलेटेड किसी को कोई डाउट्स है, तो आप कल संडे है, संडे के दिन आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन कंटिन्यू आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा, तो किसी को कोई डाउट्स है तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हो, कोई किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हो, नहीं तो आप इस चैप्टर को आप सॉल्व कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। बताइए किसी को कुछ पूछना है सर? जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 का है ना? हाँ सर। सेकंड का नहीं समझ रहा, सेकंड का ले, फर्स्ट पे। ओके ओके बेटा, एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड। चलो चेक द वेदर द फर्स्ट पॉलीनोमियल्स इज ए फैक्टर एंड सेकंड पॉलीनोमियल्स बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलीनोमियल्स बाय द फर्स्ट पॉलीनोमियल्स। आपको क्या देखना, देखो ये बोल रहा है कि जो ये पॉलीनोमियल है ना टी स्क्वायर माइनस थ्री इज फैक्टर दिस पॉलीनोमियल, चेक वेदर, क्या ये इसका फैक्टर है क्या, आपको ये चेक करना है। सर कैसे चेक करेंगे? मैंने बताया था कोई भी पॉलीनोमियल उसका फैक्टर होगा अगर वो उसको पूरा पूरा डिवाइडेड कर दे, तो ये इसका फैक्टर होगा अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो हमें वही चेक करना है। तो डिविडेंड करके के चेक करना है, डिवाइडिंग करके चेक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो पहला वाला जो है, देखो ध्यान देना, फर्स्ट इस ये है डिवाइजर और सेकंड वाला है डिविडेंड, यानी फर्स्ट इसका फैक्टर है क्या, ये आपको चेक करना है। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलीनोमियल्स इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलीनोमियल, ये डिविडिंग मैटर यूज करके आपको इसको चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, अगर रिमाइंडर जीरो आया तो वो उसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो चलो चेक करते हैं, तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, छोटा कर लेते हैं पेन। तो हमारे पास 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t2 माइनस 90 माइनस 12, इसमें मुझे डिवीजन करना है t2 माइनस 3 का। अगर रिमाइंडर मुझे जीरो बच जाता है तो ये इसका फैक्टर होगा। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलीनोमियल्स। तो बताइए यहाँ पर मुझे 2t4 लाने के लिए इसको किससे मल्टीपल करूंगा मैं, चलो बताओ, मुझे यहाँ पर लाना है 2t4 ये लाना है, तो मैं टी स्क्वायर को किससे मल्टीपल करूंगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल टी स्क्वायर को आप मल्टीपल करोगे 2t2 से, राइट या रॉन्ग जल्दी बताइए, राइट या रॉन्ग? हाँ, तो मैं मल्टीपल करता हूँ 2t4 हो गया, मतलब मैं अगर इसको 2t2 के साथ मल्टीपल कर दूँ तो ये आ जाएगा, तो 2t2 के साथ किया तो 2t4। अब 2t2 या 2 ऑफ t को मल्टीपल करना है माइनस 3 के साथ, तो मल्टीपल किया तो ये आता है माइनस का 6t2। सर आपने स्क्वायर के नीचे स्क्वायर क्यों लिखा? अरे थोड़ा आपको इजी रहेगा, मैं यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये क्यूब है और क्यूब वाला तो हमें आया नहीं है, क्योंकि हमने 2 ऑफ t को माइनस 3 से मल्टीपल किया तो ये आता है माइनस 6t2, तो हमने उस स्क्वायर के नीचे इसको लिख दिया है। सिंबल चेंज करते हैं, माइनस प्लस ये दोनों कट जाएंगे। अब आगे क्या बचता है, देखो हमें बचता है 3 ऑफ टी, पहले क्यूब वाले लिख लेते हैं, 6t2 और माइनस 2t2 सोल हो रहे हैं, क्योंकि लाइक टर्म से दोनों के दोनों, ये प्लस का है ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का है, तो 6 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा प्लस का 4 ऑफ टी माइनस का 90 माइनस का 12। अब मुझे क्या चाहिए, 3 ऑफ टी चाहिए, तो बताओ मैं टी स्क्वायर को किससे मल्टीपल करूँगी 3 ऑफ टी आ जाए, बताओ जल्दी बताओ, मैं टी स्क्वायर को किससे मल्टीपल करूंगी 3 ऑफ टी आ जाए, टी क्यूब आ जाए, 3 ऑफ टी, हाँ 3t से, हाँ 3t से मल्टीपल करता हूँ, किससे मल्टीपल करता हूँ प्लस के 3t से मल्टीपल करता हूँ। तो चलो करके देखते हैं, प्लस के 3t से इसको मल्टीपल किया तो 3 ऑफ टी आ गया, प्लस के 3t को मैं माइनस 3 के साथ मल्टीपल करता हूँ तो कितना आता है बताओ, प्लस के 3t को माइनस 3 के साथ मल्टीपल करता हूँ तो कितना आता है बताइए, माइनस 9 माइनस 90 होता है।
देन टी के नीचे टी को लिख दिया, यहाँ नहीं लिखा, वही सिंबल चेंज, माइनस और प्लस, ये दोनों कट जाएंगे। अब ये दोनों भी कट जाएंगे क्योंकि ऊपर माइनस है नीचे प्लस का, ये दोनों कट जाए। अब हमारे पास क्या बचा, 4t² - 12 बचा, ये बचा क्योंकि सब तो कट गए, ये बचा 4t² और माइनस का 12 बचा। सब उतारते साथ साथ उतारते रहना है। अब बताइए मुझे यहाँ लाना है 4t², तो मैं बताओ t² को किससे मल्टीपल करूँगा कि 4t² आ जाए। अरे 4 से करेंगे, सिंपल है सर, किससे मल्टीपल करेंगे, प्लस के 4 से, तो ये आ जाएगा 4t², और प्लस के 4 को माइनस 3 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 12 आता है। सिंबल चेंज करते हैं, माइनस और प्लस ये दोनों भी कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे। बताओ रिमाइंडर कितना बचा, हाउ बताओ, जीरो। तो ये इसका फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ, यस, फर्स्ट पॉलीनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलीनोमियल, पता लगा ना, जिस किसने पूछा था क्वेश्चन, प्रणय ने पूछा था क्या, तो आपको पता लग गया ना, फर्स्ट पॉलीनोमियल इसका फैक्टर हो गया बिकॉज यहाँ पर रिमाइंडर जीरो हो गया। ये काम आपको रफ में नहीं करना है, वहीं फेयर में करना है, आपको वहीं भाग देख के चेक करना है। किसने पूछा था क्वेश्चन मुझे एक बार कंफर्म कीजिए, किसने पूछा था क्वेश्चन, हाँ तो समझ आया ना बेटा, यस सर, चेक करेंगे रिमाइंडर जीरो करके चेक करेंगे, आप इसको चेक कर सकते हो। आप बोलोगे सर थर्ड क्वेश्चन, ये भी आप देखोगे थोड़ा सा इजी है, यहाँ ऑलरेडी आपको जीरोज दिए हुए हैं इसके, आपको ऑलरेडी ये जीरो दिए कि भाई ये भी इसका जीरो, ये भी इसका जीरो है, तो ऑप्टेन ऑल वेदर जीरो दो आपको दिए हैं, लेकिन ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसके अंदर चार जीरोज होंगे, तो दो आपको दिए हैं, दोनों को मल्टीपल करके इसमें भाग दे देना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आएगा, उसका फैक्टराइजेशन कर लेना, आपको बाकी के जीरोज पता लग जाएंगे। सर ऊपर से गया, हाँ मुझे पता होगा आपको ऊपर से गया होगा, मैं समझा देता हूँ क्योंकि ये CBSE ने पूछा हुआ है पिछले साल भी, तो इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बता रहा हूँ एक बार और, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके इस एक्सरसाइज के अंदर, थोड़ा सा बस केयरफुली होकर पढ़ो, रेगुलर क्लास ज्वाइन करो। जब भी मैं क्लास लेता हूँ, लास्ट टू डेज एंड मैनी प्रॉब्लम वी विल फेसिंग, वी फेस दैट लाइक इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड लाइट की वजह से, तो कोई नहीं, जब भी हम क्लास लेते हैं तो उसको आप कंटिन्यू ज्वाइन करो। मैं आज सुबह भी लिया, लाइट नहीं थी लेकिन अभी कंटिन्यू लाइट है। ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ है, 3x4 + 6x3 - 2x² - 10x - 5, और इसके दो जीरोज आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको इसके दो जीरोज आपको साइड में दिए हुए हैं, लेकिन ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से, तो इसके अंदर कितने जीरोज होंगे बताओ, अरे कितने जीरो होंगे, 4 जीरोज होंगे। अब दो आपको पता है, x बराबर √5/3 आपको पता है, x बराबर -√5/3 आपको पता है, दो आपको पता है, दो और निकाल लें, चलो निकालते हैं, इसको इधर लेके आता हूँ, तो x -√5/3 एक ही हो गया, और x +√5/3 दोनों को मैं मल्टीपल कर लेता हूँ क्योंकि मल्टीपल करके मुझे भाग देना है इसमें, तो मल्टीपल कर लेते हैं। x माइनस ए और x प्लस ए क्या होता है बताओ, x माइनस ए और x प्लस ए क्या होता है बताओ जल्दी, अरे x माइनस x प्लस ए क्या होता है, अरे x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं हो क्या, अरे कितने, हाँ ए स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब √5/3 का होल स्क्वायर कितना आएगा, x स्क्वायर √5 का करेंगे 5, 3 का 3, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा, ऐसे रहने देते चलो ठीक है भाई, x स्क्वायर माइनस 5/3 इसका इसमें डिवीजन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का डिवीजन करना है। सर ये कैसे होगा, ये भी होगा कैसे, क्या देखो आपको पता लग गया ना, ये दो जीरो हो जाए इसके, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू √5/3, एक एक्स माइनस √5, दोनों को इस साइड लेके आए, एक्स माइनस एक्स प्लस ये हो गया, ये इसके एक एक पॉलीनोमियल बन गया। अब इसका इसमें डिवीजन करना है, देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ ये मैं मिटा देता हूँ, चलो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मुझे यहाँ पर क्या लाना है बताओ, जल्दी बताओ मुझे यहाँ पर क्या लेके आना है, अरे बोलो कोई तो बोलो, मेरी आवाज आ रही है, मुझे यहाँ पर क्या लेके आना है, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को स्टूडेंट, मैं आ रही है सर, हाँ तो आप बता क्यों नहीं रहे, मुझे यहाँ पर क्या लेके आना है बताओ, अरे किसी को भी नहीं पता क्या,
मुझे यहाँ पर लाना है 3x4। क्या नालायक बच्चे हो आप लोग यार, कितनी देर से बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या लाना है, जब मैं बोलूँगा ना उसके तुरंत बाद बोलोगे। यहाँ पर लाना है 3x4। अब वो ऐसे कैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीपल करूँ कि 3x4 आ जाए, यानी एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीपल करूँ कि 3x4 आ जाए, 3x2 से मल्टीपल कर दो। तो चलो इसको मैं मल्टीपल कर देता हूँ 3x2 से, तो करो 3x4 आ गया। अब 3x2 को मैं मल्टीपल करूँगा -5/3 से, क्यों सर इससे भी मल्टीपल करना रहता है क्या, बिल्कुल इससे भी मल्टीपल करना रहता है, क्योंकि यही तो हमारा रूल था डिवीजन एल्गोरिथम में, हमने यही देखा था कि सब एक बार जो भी क्वेश्चन आया उसको जो भी डिवीजर है जो भी डिवाइजर है उसके दोनों वेरिएबल्स या तीनों से मल्टीपल करना रहता है। तो -5/3 को मल्टीपल करेंगे 3x2, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया -5x2। तो यहाँ लिख दूंगा मैं -5x2, देखो यहाँ मल्टीपल किया है मैंने, 3 से 3 कट गया -5x2। चलो माइनस प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, ये देखो क्या आएगा 6x3, ये बचेगा प्लस के 5 में से माइनस के 2 गए तो माइनस का 3x2, माइनस का 10x और माइनस का 5। अब बताओ यहाँ पर मुझे क्या लाना है, यहाँ पर क्या लाना है, अरे सेम ही लाना है ना, जैसे यहाँ 3x4 लाना है यहाँ पर 6x3 लाना है, ताकि ये दोनों कटते रहें। ये बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही है कि जो ऊपर है वही नीचे लेके आना है मुझे, तो यहाँ पर मुझे क्या लाना है 6 cube of x लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे बताओ, एक्स स्क्वायर को मैं मल्टीपल कर दूंगा 6x से, चलो एक्स स्क्वायर को मैंने मल्टीपल कर दिया 6x से, चलो कर दिया मल्टीपल, तो ये आ गया 6 cube of। अब एक्स 6x को मल्टीपल करूंगा -5/3 से, -5/3 से, तो 3 × 2 = 6 कितना होता है 5 × 2 = 10x, माइनस का 10x क्योंकि माइनस है, माइनस और ये हो गया प्लस, ये दोनों भी कट गए, ये दोनों भी कट गए, क्या बचा -3x2 और माइनस का 5 बचा। अब बताओ अब यहाँ पर क्या लाना है मुझे बताओ, -3x2 लाना है। तो मैं x स्क्वायर को किससे मल्टीपल करूंगा, -3 से मल्टीपल करूंगा, तो यहाँ किससे मल्टीपल करूंगा, माइनस के 3 से करूंगा, तो -3x2 आ गया। अब -3 को मल्टीपल करूंगा माइनस का 5/3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस किसका 5 हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, -3 को 5/3 से मल्टीपल कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, -3 को यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर था ना ये प्लस का था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 5x2 में से माइनस का 2x2 गया तो प्लस का 3x2 था, तो ये भी प्लस का होगा, तो ये भी प्लस का होगा, तो मैं प्लस के 3 से मल्टीपल करूँगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, देखो आपको ध्यान भी नहीं है, ये प्लस के 5x2 में से माइनस के 2 गए तो प्लस का बचा था, ये भी प्लस का रहेगा, ये भी प्लस का, तो मैं प्लस के 3 से मल्टीपल करूँगा। अब मैं -5/3 को प्लस के 3 से मल्टी, 3 से 3 माइनस का 5, साइन चेंज, माइनस प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0, तो ये आ गया ना 3x2 माइनस प्लस 6x + 3, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स आ गया, इसके फैक्टर कर लेंगे, बाकी के दोनों जीरोज आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको सोल्व करनी है, बहुत इजी है, आपको ये 2.3 सोल्व करना है। किसी को कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कल संडे को व्हाट्सअप कर सकते हो, मंडे को हम नया चैप्टर पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, हो सके तो ऑप्शनल एक्सरसाइज भी सोल्व करना, ठीक है, मंडे को हम इसी को रिविजन करेंगे, मंडे को अगर किसी को डाउट होगा तो पहले हम इसी को रिविजन करेंगे, अगर डाउट नहीं होगा तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स पे। अगर आपको इस पे डाउट है तो आप ऑप्शनल तक इसको कंप्लीट करना है, उसके बाद हम मंडे को नए एक्सरसाइज पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो आई थिंक आपको समझ आएगा। अभी किसी को और कुछ पूछना है, अभी पूछना है तो आप मुझे बता दीजिए, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है एक बार फिर से बता दीजिए, किसी को कोई डाउट्स हो किसी क्वेश्चन पे, कोई क्यूरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो आप ये किसी को कुछ नहीं पूछना आई थिंक, तो आप ये सब चीज़ कीजिएगा।